हेलो दोस्तों, आज का जो वीडियो का टॉपिक है यह है स्प्लेंडर BS6 बाइक। और इस बाइक का जब पूरा वायरिंग सिस्टम मैंने ओपन किया और आप लोगों को बताऊंगा BS6 बाइक की जो सिस्टम होता है, वायरिंग हार्नेस जो होता है कैसे वर्क करता है, यानी कि बाइक में दिया जाता है हम लोगों का फ्यूल पंप, इंजेक्टर, थ्रॉटल बॉडी, ये सब काम कैसे करता है इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आते हैं बाइक में दिया जाता है हम लोग का ACM। ACM का काम क्या है वो भी आप लोगों को बताऊंगा। स्प्लेंडर बाइक में इग्निशन स्विच जो होता है ये कैसे काम करता है ये भी आप लोगों को बताऊंगा। स्प्लेंडर बाइक में दो फ्यूज बॉक्स दिया गया है, इसका काम क्या है और इसका काम क्या है मैं आपको बताऊंगा। इसका RR यूनिट कैसे वर्क करता है वो भी आप लोगों को बताऊंगा। इसका सेल्फ स्टार्ट कैसे वर्क करता है ये भी आप लोगों को बताऊंगा। तो चलिए एक तरफ से हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आप लोगों को ये बताता हूँ, जो बाइक में हम लोगों का एक बैटरी होता है, बैटरी से हम लोगों का वोल्टेज कहाँ तहाँ तक हम लोगों का जाता है वो आप लोगों को पहले जानना है। कैसे, चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आइए जानते हैं बैटरी से पहले वोल्टेज कहाँ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ आप लोगों को चार वायर देखने को मिलेगा, पीला में रेड और एक रेड, एक ब्लैक, ब्लू में रेड। तो बैटरी से डायरेक्ट वोल्टेज आएगा पहले एक रेड कलर की वायर में, ये जो रेड कलर की वायर दिख रहा है। तो आप लोग जांच कैसे करें, अगर बाइक में इग्निशन लाइन सबसे पहले ना बने तो आप लोग को यहाँ देखना है इस वायर में, रेड कलर की वायर में खाली रेड आप लोग को देखने को मिलेगा। तो यहाँ आप लोग को 12 वोल्ट मिलेगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ, एक मल्टीमीटर की जरूरत होगा। अब आप लोग को दिखाता हूँ, एक नेगेटिव पे लगाया। अब यहाँ आप लोग को दिखाता हूँ इसमें कौन सा वायर में वोल्टेज आ रहा है ना। चलो इसमें लगाया, नहीं आ रहा है। इसमें लगाया, 12 वोल्ट शो कर रहा है, देखो शो कर रहा है। अब ब्लैक में लगाया, 12 वोल्ट नहीं आ रहा है। और ब्लू में रेड में लगाया, यहाँ भी वोल्टेज शो कर नहीं कर रहा है। तो यानी कि इस इनमें से चारों में से एक ही वायर में डायरेक्ट से वोल्टेज आएगा और यहाँ से हम लोग का फ्यूज होकर भाग करेगा। तो चलो आप लोग को प्रूफ करके दिखाता हूँ, कॉन्टिन्यू में करके आप लोग एक बार इसको जाँच करें, रेड कलर की वायर को कॉन्टिन्यू में करके मल्टीमीटर को। और यहाँ बीप बजना चाहिए, तो बीप हम लोग का बज रहा है। तो यानी कि डायरेक्ट जो बैटरी से वोल्टेज आती है गाइस, यहाँ होकर ये रेड कलर की वायर इसका साथ हम लोग का संपर्क है और डायरेक्ट वोल्टेज हम लोग का 12 वोल्ट प्रोवाइड यहाँ करेगा। अब यहाँ करने के बाद मैं आपको बताता हूँ, ये जो फ्यूज है, फ्यूज हमने अटैच कर दिया, देखो। अब दोनों फ्यूज को हमने अटैच कर दिया है। अब चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, अब पीला कलर में वोल्टेज ऑटोमेटिक आ गया है। यहाँ जब हमने पुश किया है वोल्टेज यहाँ हमको तो मिल रहा था, अब फ्यूज जब लगाया यहाँ से डायरेक्ट इस वायर में हम लोग का वोल्टेज आया है ना। लेकिन यहाँ से वोल्टेज अभी हम लोगों को नहीं मिलेगा, इग्निशन ऑन करेंगे तो ही मिलेगा। मैं आपको फिलहाल वोल्टेज दिखाता हूँ, 12 वोल्ट अब इस वायर में 12 वोल्ट, दोनों वायर में वोल्टेज हो चुकी है। अब यहाँ आप लोगों को दिखाता हूँ, यहाँ वोल्टेज प्रोवाइड नहीं करेगा, देखो अभी लगा हुआ है। और इसमें भी आप लोगों को लगाता हूँ, यहाँ भी वोल्टेज प्रोवाइड नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, चलिए मैं आपको बताता हूँ। ये फ्यूज डायरेक्ट कहाँ जाता है, फ्यूज होकर डायरेक्ट इग्निशन स्विच पे जाता है। चलिए मैं आपको बताता हूँ, यहाँ इग्निशन स्विच में आप लोगों को चार वायर देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, इग्निशन पर हम लोगों का दो वायर में वोल्टेज आएगा, ठीक है। कहाँ कहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले रेड में जो येलो कलर की वायर है, यानी कि पीला कलर की वायर, ये वाला, इसमें वोल्टेज हम लोग का इनपुट आएगा 12 वोल्ट। अब इग्निशन जब हम लोग ऑन करेंगे 12 वोल्ट दूसरे वायर में जाएगा। तो अभी हम लोग का कपलर खुला है तो दो वायर में वोल्टेज आएगा। तो दोस्तों फ्यूज बॉक्स होके एक वोल्टेज आया और एक रेड कलर की जो वायर है ये हम लोगों का एक वोल्टेज आएगा। मैं आपको दिखाता हूँ प्रूफ करके, देखिए 12 वोल्ट आ रहा है, 12 वोल्ट। अब ये कहाँ से आया दोस्तों, अगर मेन फ्यूज को अगर हम लोग ओपन कर ले सभी फ्यूज को, फिर भी वोल्टेज आएगा इग्निशन स्विच में। मैं आपको दिखाता हूँ प्रूफ करके, जो स्विच में एक हम लोग का रेड कलर की वायर है यहाँ 12 वोल्ट जाएगा, क्यों मैं आपको बताऊंगा बाद में। देखिए 12 वोल्ट शो कर रहा है और मैंने फ्यूज खोल लिया है, क्यों इसके बारे में आपको बताता हूँ दोस्तों। कभी कभी ये मेन फ्यूज अगर कट भी जाएगा तो हम लोगों का बाइक जो है स्टार्ट होगा, क्यों होगा मैं आपको बताऊंगा। वोल्टेज डायरेक्ट RR यूनिट से भी ले लेगा, लेकिन यहाँ अगर रेड कलर में वोल्टेज अगर आएगा यहाँ से, तो डायरेक्ट यहाँ से लेकर वायरिंग हार्नेस तक एक बैटरी का वोल्ट हम लोग का, यानी कि बैटरी से डायरेक्ट ही वोल्ट हम लोग का गया है। अब सवाल है, इस कपलर में आप लोगों को दो वोल्ट आएगा तो ही हम लोग का पूरा सिस्टम वर्क करेगा, कैसे मैं आपको बताता हूँ। अब इस कपलर को हम लोग लगा देंगे गाइस, अब इस कपलर को हमने लगा दिया है, दो वायर के वोल्ट की जगह इग्निशन जब हम लोग ऑन करेंगे तो दोस्तों चारों वायर में 12 वोल्ट हो जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ, पहले रेड कलर में आता था और एक पीला में रेड में आता था, अब दोनों वायर में भी वोल्टेज आने लगा। मैं आपको दिखाता हूँ, एक ग्राउंड लगा देता हूँ मल्टीमीटर को और आप लोगों को दिखाता हूँ।
12 वोल्ट, यानी कि सबसे पहले आप लोगों को इग्निशन स्विच की टेस्टिंग करना है। 12 वोल्ट यहां आप लोगों को चारों वायर में मिलेगा तो ही पूरे बाइक हम लोग का काम करेगा। अब मैं आपको बताता हूं जो कहां कहां तक हम लोग का ये वोल्टेज जाता है। जो रेड कलर की वायर और रेड में पीला की कलर की वायर इनपुट वोल्टेज है, और आउटपुट वाइज कार कहां जाता है देखो गाइस, यहां एक ब्लैक में पीला और एक ब्लैक में ब्लू। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों, ब्लू में जो रेड कलर की वायर है इस फ्यूज तक एक आते हैं। क्यों? हीरो की और होंडा की बाइक में ब्लैक कलर जो होता है, जब हम लोग चाबी को ऑन करते हैं तो पूरे बाइक में हम लोगों का यानी कि वोल्टेज आता है। इंडिकेटर में, मीटर कंसोल में, ब्रेक स्विच में, काफ़ी सारी जगह पर हम लोग का वोल्टेज प्रोवाइड करता है, यानी कि डीसी वोल्टेज। तो अगर डीसी वोल्टेज कहीं से शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो फ्यूज क्या होगा, अगर फ्यूज नहीं रहेगा तो हम लोग का वायरिंग हार्नेस जो है शॉर्ट सर्किट होने के बाद यानी कि वायरिंग जलने का चांसेस रहता है। तो कंपनी ने ऐसा किया है, इस वायर में इग्निशन ऑन करने में वोल्टेज आएगा, आने के बाद क्या करेगा, ये ब्लैक कलर जो होता है, ब्लैक कलर हम लोगों का फ्यूज बॉक्स होकर यानी पूरे बाइक में सप्लाई देगा। तो दोस्तों अगर ये फ्यूज कट जाएगा, लाइन नहीं आएगा, मैं आपको दिखाता हूँ। फ्यूज को मैंने टान लिया है और इग्निशन हमने ऑन किया है, देखो अभी हम लोग का लाइट नहीं जल रहा है। अभी हम लोग इस फ्यूज को लगाएंगे और मीटर कंसोल में हम लोग का लाइन आ जाएगा। देखो देखो गाइस, हॉर्न वगैरह हम लोग का बजने लगा है। तो हॉर्न अगर ना बजे, मीटर कंसोल में लाइन नहीं आए तो इस फ्यूज को आप लोग को देखना पड़ेगा। और इग्निशन स्विच जो हम लोग का होता है, इग्निशन स्विच से वोल्टेज आएगा, अगर इग्निशन स्विच खराब भी हो जाएगा तो भी बाइक में हम लोग का वोल्टेज नहीं प्रोवाइड करेगा। दोस्तों इसके बारे में आप लोगों को पूरा जानकारी दे दिया है जो ये कैसे वर्क करता है। एक हम लोग का बैटरी इनपुट वोल्टेज है, बैटरी से डायरेक्ट आएगा। जब फ्यूज हम लोग का छही रहेगा तो यानी कि यहाँ से डायरेक्ट हम लोग का जाएगा कहाँ, इग्निशन स्विच में जाएगा वोल्टेज, ठीक है बराबर। एक इग्निशन स्विच में भी और रेड कलर में वोल्टेज जाएगा, इनपुट जाएगा। अब इस फ्यूज का काम आप लोगों को बता दिया। अब आते हैं दोस्तों ये वाला जो फ्यूज है ये कैसे काम करता है। तो दोस्तों इसका भी हालत वही है, अगर इग्निशन स्विच से वोल्टेज यहाँ से आएगा, इग्निशन स्विच अगर खराब हो जाएगा तो वोल्टेज नहीं आएगा। इससे क्या होगा, आपका एसीएम में जो वोल्टेज है यही मेन फ्यूज हम लोग का देता है। अगर ये वोल्टेज यहाँ से अगर फ्यूज कट जाएगा तो एसीएम जो होता है एसीएम में हम लोग का वोल्टेज प्रोवाइड नहीं करेगा, वो मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले जानते हैं यहाँ से वोल्टेज इनपुट कौन सा आता है गाइस। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, यहाँ देखिए आप लोग ब्लैक में रेड कलर की वायर है ना इग्निशन स्विच में, तो अभी हम लोगों का वोल्टेज प्रोवाइड नहीं करेगा। देखो अभी वोल्टेज पे है, वोल्टेज प्रोवाइड नहीं करेगा क्योंकि चाबी का स्विच बंद है। अब चाबी का स्विच जब भी ऑन करेंगे देखना वोल्टेज प्रोवाइड करने लगा है। ब्लैक में जो रेड कलर की जो वायर है ये कहाँ तक जाता है मैं आपको दिखाता हूँ। इग्निशन ऑन है गाइस, और ब्लैक में जो रेड कलर की वायर है यहाँ तक आता है, और इसमें आप लोगों को 12 वोल्ट मिल जाएगा आसानी से। देखो गाइस 12 वोल्ट मिलने लगा है। तो 12 वोल्ट यहाँ से जब भी मिलेगा तो आपको समझना है क्या, इग्निशन स्विच से हम लोग का वोल्टेज प्रोवाइड कर रहा है। अगर इस वायर में हम लोग का वोल्टेज प्रोवाइड नहीं करेगा तो आपको ये समझना है स्विच खराब है या वायरिंग हार्नेस कहीं से खराब है, यानी कि वोल्टेज प्रोवाइड नहीं कर रहेगा। अब यहाँ से अगर फ्यूज खोल ले तो आप लोग एक चीज मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने इसका फ्यूज लगाया है। अब एसीएम में दिया जाता है एक हम लोग का वायर, यहाँ देखिए इसमें एक रेड कलर की वायर आप लोग को देखने को मिलेगा। क्यों? यहाँ हम लोगों का मेन वोल्टेज सप्लाई करता है। ये कौन सा जगह में है, इसी जगह पर मैं आपको दिखाता हूँ। इस पर हमने फ्यूज ओपन किया है, अभी 12 वोल्ट नहीं मिलेगा, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए गाइस अभी हम लोग का वोल्टेज शो नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है, मैंने इसका फ्यूज जो है ओपन कर लिया है। अब फ्यूज हमने यहाँ अटैच कर दिया गाइस, देखो अब वोल्टेज शो करेगा। देखो ये जो रेड कलर की वायर है इसमें हम लोग का 12 वोल्ट की सप्लाई आएगा, यानी कि 12 वोल्ट। दोस्तों 12 वोल्ट आने लगा है। तो एसीएम का मेन वोल्टेज होता है ये वाला रेड वाला, ठीक है, रेड वाला मेन वोल्ट होता है। अब क्या करेगा एसीएम, क्या करेगा, बाइक पर काफ़ी सारी जगह होता है, इंजेक्टर होता है, फर्ज वाल्व होता है, यानी कि टोटल बॉडी में सिस्टम होता है, फ्यूल पंप होता है, वो अलग अलग प्रकार से वोल्टेज यानी कि बाइक में जनरेट करेगा। और एसीएम में वोल्टेज और ग्राउंड आप लोगों को देखना जरूरी है। दोस्तों ये जो हरा कलर की वायर आप लोग देख रहा है इसमें हम लोग का ग्राउंड प्रोवाइड करेगा। ये जो दो वायर दिख रहा है इसमें हम लोग का ग्राउंड प्रोवाइड करेगा और वोल्टेज प्रोवाइड करेगा रेड कलर में, तो ही हम लोग का एसीएम वर्क करेगा। तो चलो इस कपलर को अभी लगा देते हैं, और भी आप लोगों को काफी सारे चीज दिखाना है। तो पहले स्टेप में आप लोगों ने क्या देखा, बाइक में जो हम लोगों का फ्यूज दिया रहता है फ्यूज कैसे वर्क करता है। तो पहले एक बार और आप लोगों को समझा देता हूँ। दोस्तों यहाँ आप लोगों को चार वायर देखने को मिलेगा। रेड कलर की वायर डायरेक्ट बैटरी से जुड़ा हुआ है, वो यानी कि वोल्टेज इनपुट वोल्टेज प्रोवाइड करेगा। यहाँ से वोल्टेज प्रोवाइड करने के बाद यहाँ एक
फ्यूज बॉक्स होकर हम लोग का इनपुट वोल्टेज चला गया स्विच पर, ठीक है। तो दोनों फ्यूज का काम हो गया। अब इस वायर में हम लोग का वोल्टेज आएगा इग्निशन जब ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद इसमें हम लोग का ब्लैक कलर में पूरे बाइक में हम लोग का जहाँ जहाँ वोल्टेज जाना चाहिए था वहाँ जाएगा, काम करेगा। तो इसके बारे में जानकारी हो गया। अब इस फ्यूज का काम क्या है दोस्तों, इसमें हम लोग का एक वोल्टेज आएगा इग्निशन स्विच से, रेड कलर की वायर में नहीं, यहाँ ब्लैक में रेड कलर की जो वायर है इसमें वोल्टेज आएगा इग्निशन ऑन करेंगे तो, और जब इग्निशन बंद करेंगे तो ये बंद हो जाएगा। अब यहाँ से वोल्टेज होने के बाद हम लोग का जाएगा ए सी एम में, जाएगा रेड कलर की जो वायर है। तो ए सी एम का मेन वोल्ट होता है रेड कलर की वायर। जब भी आप लोगों का कोई भी चीज़ काम ना करे तो सबसे पहले आप लोग यहाँ वोल्टेज देखें जो रेड कलर में हम लोग का वोल्टेज आ रहा है कि नहीं। अगर रेड कलर में नहीं आ रहा है तो सबसे पहले आप लोग फ्यूज खोल के ओपन करके देखो, फ्यूज कटा है तो कोई बात नहीं, अगर फ्यूज सही है तो आप लोगों को देखना है इग्निशन स्विच। इग्निशन स्विच में दो वायर में 12 वोल्ट करके अगर आप लोगों को आ रहा है तो आप लोगों को ये समझना है कि आप लोगों का वायरिंग हार्नेस फ्यूज बॉक्स सब कुछ सही है। आने के बाद जब इग्निशन ऑन करेंगे तो चारों वायर में 12 वोल्ट करके आप लोगों का वोल्टेज प्रोवाइड करेगा। वोल्टेज के लिए आप लोगों को पूरा जानकारी दे दिया गाइस। अब आते हैं एक चीज मैं आपको बताता हूँ, आर आर यूनिट का कपलर अगर खुला रहेगा तो भी बाइक हरगिज हराल में स्टार्ट नहीं लेगा। क्यों मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, यहाँ एक आप लोगों को वायर देखने को मिलेगा, एक रेड कलर की वायर, देखिए रेड में पीला कलर की वायर, रेड में पीला कलर की वायर जो होता है इसमें 12 वोल्ट हम लोग को आएगा। आने के बाद क्या होगा, फिर ब्लैक में जो रेड कलर की है ये भी प्रोवाइड करेगा। कब आर आर यूनिट में ऐसा सिस्टम किया गया है हीरो बाइक में, रेड में पीला कलर की जो वायर है इसमें अगर वोल्टेज हम लोगों का प्रोवाइड कर रहा है तो इसके अंदर ऐसा फंक्शन किया गया है ऑटोमेटिक इसमें वोल्टेज आएगा। मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ। आर आर यूनिट की जो बीच वाला कपलर है रेड में पीला, इसमें हम लोग अटैच करेंगे और यहाँ आप लोगों को वोल्टेज दिखाता हूँ, 12 वोल्ट यहाँ शो कर रहा है। अब गाइस यहाँ दिखाता हूँ, रेड में जो ब्लैक कलर की वायर है इसमें हम लोग अभी वोल्टेज प्रोवाइड नहीं करेगा, देखो अभी नहीं कर रहा है। अब कपलर को जब भी हम लोग लगा देंगे अब क्या करेगा, ब्लैक में जो रेड कलर की वायर है इसमें वोल्टेज ऑटोमेटिक 12 वोल्ट आ गया, देखो ऑटोमेटिक 12 वोल्ट आ गया। अब इसका मतलब है आरआर यूनिट के अंदर ऐसा कंपनी ने सिस्टम किया गया है शॉर्ट करके 12 वोल्ट इनमें भी दे दिया है, ठीक है। क्यों दिया है मैं आपको बाद में बताऊंगा। अब सवाल है बैटरी चार्ज के लिए हम लोगों का कौन सा वायर है और कौन सा इसका वायर है वो भी आप लोगों को बता देता हूँ। तो दोस्तों आरआर यूनिट में आप लोगों को 5 वायर देखने को मिलेगा, एक पीला कलर की वायर, एक व्हाइट कलर की वायर और एक रेड में पीला और रेड में ब्लैक और एक हरा कलर की वायर। तो सबसे पहले एक आरआर यूनिट चालू होने से पहले आरआर यूनिट काम कैसे करता है उसके बारे में जानकारी देता हूँ दोस्तों। इनपुट वोल्टेज आएगा आरआर यूनिट आर्मेचर कॉइल से, एक वोल्टेज आएगा हाई वोल्ट होकर वोल्टेज आएगा इनपुट, उसके बाद एक ग्राउंड आएगा तभी आरआर यूनिट हम लोगों का काम करेगा। वोल्टेज कौन सा वायर में इनपुट में आता है, व्हाइट कलर की वायर है, इसमें हम लोगों का वोल्टेज आएगा यानी कि आर्मेचर कॉइल से, जो बाइक में दिया जाता है आर्मेचर कॉइल, इससे हम लोगों का वोल्टेज आएगा। तो अगर आप लोगों का वोल्टेज नहीं प्रोवाइड कर रहा है तो आप लोगों को सबसे पहले ये देखना है आर्मेचर कॉइल के कंडीशन हम लोगों का सही है या खराब है, वो कैसे, मल्टीमीटर को आप लोग 200 ओम पे रखिए और आपका रीडिंग जो आएगा 1.4 आएगा तभी आप लोगों का आर्मेचर कॉइल गुड कंडीशन। मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ, 1.5 1.4, देखो अभी इस बाइक का जो आर्मेचर कॉइल है गुड कंडीशन है। तो सबसे पहले इनपुट वोल्टेज आपको देखना है, लेकिन स्टार्ट करने का देखने का आवश्यकता नहीं है, मल्टीमीटर से आप लोग देख सकते हैं। अब आप लोगों को देखना है बॉडी अर्थिंग, बॉडी अर्थिंग के लिए आप लोग मल्टीमीटर को कंटिन्यू में कीजिए और हरा कलर के वायर को अटैच कीजिए और यहाँ बीप बजेगा दोस्तों, 0-0 हो गया। तो यहाँ हमने क्या देखा, आर आर यूनिट का इनपुट वोल्टेज और ग्राउंड, पीला कलर की जो वायर है ये हेडलाइट जलाने के लिए जाएगा, जब बाइक हम लोगों का स्टार्ट हो जाएगा उसी दौरान क्या होगा, हेडलाइट जलने के लिए चालू हो जाएगा और हेडलाइट के लिए वोल्टेज रेडी करेगा और हेडलाइट जलेगा, पीला कलर वायर में हम लोग का वोल्टेज जाएगा। अब सवाल है ये दोनों वायर क्यों है, ये जो वायर आप लोग देख रहे हैं ब्लैक में रेड कलर की वायर, इसमें भी एक हम लोगों का वोल्टेज जो आएगा। अब सवाल है इस बाइक में वोल्टेज कहाँ से आएगा, तो दोस्तों ये जो आप लोग देख रहे हैं ये वायर दोनों कलर का एक ही है, रेड में पीला और रेड में पीला, तो वोल्टेज यहाँ से जनरेट होता है ये फ्यूज बॉक्स होकर। तो यहाँ से वोल्टेज आने के बाद जब हम लोग कपलर लगा देंगे तो इसी वायर में जब तक वोल्टेज नहीं आएगा बाइक स्टार्ट नहीं होगा। तो जब भी रेड में जो ब्लैक कलर की वायर है ये अगर आप लोग अटैच इसके अंदर नहीं अटैच करेंगे तो आप लोगों को वोल्टेज प्रोवाइड नहीं करेगा। तो आरआर यूनिट कैसे वर्क करता है आप लोगों को बता दिया, हरा कलर की वायर ग्राउंड, व्हाइट कलर की वायर इनपुट आर्मेचर कॉइल के वोल्टेज और पीला कलर की जो वायर है ये हम लोग का हेडलाइट जलाने का आउटपुट और इसमें हम लोग का इनपुट वोल्टेज आएगा 12 वोल्ट और ऑटोमेटिक इसमें जब कपलर लगा देंगे तो ऑटोमेटिक ब्लैक में रेड कलर में वोल्टेज आ जाएगा, वो वोल्टेज हम लोगों का पूरे बाइक में सप्लाई करेगा जो यहाँ आता है, देखिए इस वायर में जाता है ऑटोमेटिक
अगर बाइक में बैटरी ना रहे तो ऑटोमेटिक आरआर यूनिट क्या करेगा, वोल्टेज प्रोवाइड करेगा और बाइक स्टार्ट हो जाएगा, है ना। तो आप लोगों को वोल्टेज के बारे में बता दिया। अब चलिए काफ़ी सारी चीज़ और भी है बाइक में, देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आते हैं बाइक में दिया जाता है हम लोग का फ्यूल पंप। फ्यूल पंप कैसे वर्क करता है, स्प्लेंडर बाइक में दिया जाता है थ्री पोल की यानी कि थ्री फ्यूज की कनेक्शन है फ्यूल पंप, इसका जानकारी हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले बाइक में इग्निशन ऑन करने के बाद अगर फ्यूल पंप नहीं काम करता है तो आप लोगों को वोल्टेज फॉरवर्ड उसका चेकअप करना है। कैसे चले मैं आपको बताता हूँ। इस कपलर में आप लोगों को देखने को मिलेगा तीन वायर, एक ब्राउन में व्हाइट, ब्राउन में पीला और ब्राउन में ब्लू। तो तीनों कलर में हम लोग का वोल्टेज जो आएगा, दो वोल्ट 65, 2 वोल्ट 68, इस तरह का प्रॉब्लम वोल्ट आएगा। तो आप लोगों को पहले चेकअप करना है पहले स्टेट में। मैं कैसे मैं आपको बताता हूँ। एक वायर को आप लोग भर दीजिए और एक वायर को आप लोग बॉडी कीजिए। करने का बाद इग्निशन स्विच को आप लोगों को ऑन करेंगे तो थोड़ी देर के लिए यहाँ वोल्टेज शो करेगा 2 वोल्ट। देख लें, देखिए 2 वोल्ट 65 पॉइंट ऑफ हो गया है। तो वोल्ट हम लोग का प्रोवाइड कर रहा है, जनरेट कर रहा है। अब दूसरे को हम लोग यानी कि चेकअप करेंगे। तीनों वायर में एक ही वोल्टेज आएगा तभी काम करेगा, 2 वोल्ट 63 पॉइंट। अब फिर तीसरे में लगाएंगे, देखिए 2 वोल्ट 66 पॉइंट। यानी कि यहाँ से अगर आप लोगों को वोल्टेज तीनों वायर में मिल रहा है तो आप लोगों को कोई भी वायरिंग एसीएम देखने का आवश्यकता है नहीं। अगर यहाँ से वोल्टेज प्रोवाइड नहीं कर रहा है तो आप लोगों को सबसे पहले एसीएम तक आना है। एसीएम में कौन सा वायर आप लोगों को चेक करना है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। पहले आप लोगों को एसीएम को ओपन करना है। एसीएम को ओपन कर लिया है, अब आप लोगों को दिखाता हूँ कौन सा वायर हम लोग जाता है यानी कि फ्यूल पंप तक। दोस्तों ये वाला एक नंबर का वायर जाता है और 1, 2, 3, 4, 5, 6 नंबर एक वायर जाता है और 1, 7 नंबर वायर जाता है। तो तीनों वायर का आप लोगों को वायरिंग कॉन्टिन्यूटी चेक करना है। कैसे, चलिए मैं आपको बताता हूँ। ब्राउन में व्हाइट कलर की वायर को, तो एक वायर यहाँ पर लगाएंगे। अब ब्राउन की व्हाइट कलर की जो वायर है एक हम लोग का ये वाला है, तो इसमें हम लोग अटैच करेंगे और मल्टीमीटर को कॉन्टिन्यू में करेंगे और बीप बजना चाहिए। तो दोस्तों बीप बज रहा है, तो इस वायर से यहाँ से लेकर हम लोग का वायरिंग हारनेस सही है। अब दूसरे को भी चेकअप करना है। ब्राउन में पीला को लिया, बीच का वाला ब्राउन में पीला ये वाला 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 नंबर। तो यहाँ से हम लोग को शो करने लगा है, अगर शो नहीं करेगा तो वायरिंग हार्नेस काटा हुआ रहेगा। अब तीसरों को चेकअप करते हैं। ब्राउन में ब्लू 6 नंबर पर 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 6 नंबर का जो वायर है ये भी हम लोग को सही बता रहा है। तो दोस्तों आप लोगों ने क्या देखा, अगर फ्यूल पंप में अगर वोल्टेज आप लोगों को 2 वोल्ट 65 पॉइंट नहीं आ रहा है एक भी वायर में, तो आप लोगों को वायरिंग का फौरन आप लोगों को चेकअप करना है। कॉन्टिन्यूटी अगर आप लोगों का कटा रहेगा तो कभी भी फ्यूल पंप वर्क नहीं करेगा, फ्यूल पंप हम लोग का चलेगा नहीं। तो आप लोगों को हर हाल में तीनों वायर में वोल्टेज लाना है। तो वोल्टेज अगर आप लोगों का वायरिंग हार भी सही है और वोल्टेज नहीं प्रोवाइड पड़ रहा है तो आप लोगों को उसी फौरन इसका इलाज करना चाहिए। यानी इलाज क्या है, एसीएम को आप लोगों को बदलना है। तो एसीएम को बदलने से पहले आप लोगों को जो मैंने बताया वोल्टेज देखना है रेड कलर की वायर में, ग्राउंड देखना है। अगर वोल्टेज ग्राउंड प्रोवाइड करेगा और एसीएम अगर सही रहेगा तो हर हाल में वोल्टेज हम लोग का प्रोवाइड करेगा। तो आप लोगों ने क्या देखा, फ्यूल पंप की टेस्टिंग ऐसे ही करते हैं। फ्यूल पंप की वोल्टेज चेक करने के बाद अब आप लोगों को दिखाऊंगा जो एक्चुअली बाइक में जो हम लोग का टैंकिंग में फ्यूल पंप दिया जाता है इसका प्रेशर सही रहना चाहिए। अगर प्रेशर सही नहीं रहेगा तो बाइक हम लोग का एडिटिंग करेगा और बाइक में पिकअप मिसिंग होगा और बाइक की जो है ताकत नहीं मिलेगा। तो इसके लिए आप लोगों को जरूरत होगा एक फ्यूल मीटर की, फ्यूल मीटर गेज। तो आप लोग जांच कैसे करें, मेरे पास है PSI मीटर और इससे हम लोग ऑल बाइक की जो प्रेशर है फ्यूल की 100% माप सकते हैं। PSI मीटर जो है कैसे वर्क करता है मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों हर कोई बाइक में दिया जाता है फ्यूल पंप में हम लोग का मोटर, तो इससे अगर हम लोग मापे PSI जो मीटर है इससे अगर हम लोग मापे तो इसका हम लोगों का मैक्सिमम जो है 40 से 38 हम लोगों का प्रेशर आएगा एकदम गुड कंडीशन मैक्सिमम। अगर हम लोग का फ्यूल पंप बैठ जाएगा, फ्यूल पंप पे हम लोग का कचरा आ जाएगा यानी कि फ्यूल पंप की जो फिल्टर है वो अगर ब्लॉक हो जाएगा तो क्या होगा, प्रेशर हम लोग का कम जाएगा। तो दोस्तों मैक्सिमम आप लोगों को 40 के आसपास में आना चाहिए। अगर 30 भी आ रहा है तो इससे बाइक चलेगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 30 के नीचे यानी कि 20 हो जाएगा यानी कि 25 हो जाएगा तो बाइक हम लोग का सही नहीं चलेगा। तो चलिए मैं आपको प्रेशर माप के दिखाता हूँ। एक कपलर मैंने लगाया है टैंकी से जो आएगा मोटर से और एक लगाया इंजेक्टर में। अब आप लोगों को दिखाता हूँ एक्चुअली
इसका पैसा रेंज कितना आ रहा है। अब हम लोग इग्निशन ऑन करेंगे, देखो तो दोस्तों हमने इग्निशन ऑन किया और इसका जो पैसा है 40 आए। तो अभी हमने जो बाइक स्टार्ट किया और इसका पैसा जो आ रहा है 40 आ रहा है, 40 आ रहा है ना। तो मेरा जो डील पंप है एकदम गुड कंडीशन है दोस्तों, इससे कोई हम लोग का नुकसान नहीं है। डील पंप हम लोग का गुड कंडीशन है और इग्निशन को बंद करेंगे। बंद करने के बाद आप लोगों को 5 मिनट वेट करना है। अगर इसका प्रेशर आहिस्ता आहिस्ता करके कम हो रहा है तो आपको ये समझना है, देखो आहिस्ता आहिस्ता करके कम रहा है ना, आहिस्ता आहिस्ता करके कम हो रहा है, 40 हो रहा था। तो ऐसा रीजन में बाइक चलेगा, लेकिन थोड़ा कंडीशन जो है हम लोग का फील्ड पम्प, अभी हमारा बाइक जो है 13,000 किलोमीटर चला है और अभी 40 से थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता करके नीचे आ रहा है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर फौरन आ जाएगा तो दिक्कत होगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके आपको नीचे आ रहा है, इससे बाइक चलेगा, कोई नुकसान नहीं होगा। अगर कंप्रेसर 40 से आप लोग 5 मिनट बाद देख रहे हैं कि 40 ही है, तो उस वक्त आप लोग को सोचना है जो फ्यूल पम्प हम लोग का गुड कंडीशन है, लेकिन अभी भी गुड कंडीशन है। मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, आहिस्ता आहिस्ता करके नीचे नंबर है देखो, और इग्निशन ऑन करेंगे बाइक हम लोग का, कोई भी दिक्कत हम लोग का मिसी नहीं होगा, एकदम सही चल रहा है। इसी रीजन से आपको बताता हूँ, तो फ्यूल पंप अगर 5 मिनट बाद ऑटोमेटिक आप लोग का डाउन हो रहा है, तो थोड़ा आप लोगों का फ्यूल पंप प्रेशर जो है कहीं से लीकेज कर रहा है। फ्यूल पंप में दिया जाता है हम लोग का एक वाल्व सिस्टम, वो कहीं से लीकेज कर रहा है, और यहीं से अगर लीकेज करता तो फ्यूल की सप्लाई यहाँ से हम लोग का फ्यूल गिरता, लेकिन यहाँ लीकेज होने का कोई संभावना नहीं है। टैंकी के अंदर एक भाव दिया जाता है, यानी कि मोटर के अंदर, वो भाव हम लोग का लीकेज कर रहा है, इसीलिए आप लोग को फ्यूल पंप बदलना पड़ेगा। अब बात होता है, अब मान लीजिए आपका प्रेशर भी सही है और बाइक आपका एडिटिंग कर रहा है, यानी कि 40 आपको प्रेशर मिल रहा है लेकिन बाइक आपका एडिटिंग कर रहा है, जैसे आपने स्टार्ट किया और बाइक पिकअप लिफ्टिंग कर रहा है, लेकिन आपने फ्यूल मीटर लगा के देखा कहीं भी आपका फ्यूल जो है यानी कि अप डाउन नहीं मर रहा है, तो उसी रीजन में आप लोग को देखना है फ्यूल इंजेक्टर जो होता है, इंजेक्टर में हम लोग का कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ चेकअप करना है, वो क्या मैं आपको बताता हूँ। अब मान लीजिए बाइक में दो फॉल्ट हो सकता है, या आपका टोटली बाइक स्टार्ट नहीं ले रहा है या बाइक आपका मिसिंग कर रहा है, तो उस दौरान आपने चेकअप किया, फ्यूल पंप की कंडीशन गुड कंडीशन है, 40 आ रहा है, तो वैसा रीजन में आप लोग क्या करेंगे। तो दोस्तों चलिए मैं आपको बताता हूँ इसका उपाय। सबसे पहले आप लोगों को यहाँ तेल की छिड़कान जो है सही से आ रहा है कि नहीं। स्प्लेंडर बाइक में आप लोगों को देखने को मिलेगा 6 सुराग आ गए इसके अंदर, तो इसका पहले हम लोग देखेंगे इसमें फ्यूल की सप्लाई कैसा आ रहा है। तो चलो आप लोगों को दिखाता हूँ, इग्निशन ऑन करेंगे, करने के बाद हम लोग सेल पे ही पेक करेंगे और इसका छिड़कान जो है देखेंगे। 6 के 6 के जो लिंक है वो एकदम बराबर हम लोग का फ्यूल आ रहा है। अगर इससे कम आएगा तो आप लोगों का क्या होगा, इंजेक्टर भी आपको खराब हो सकता है, और टोटली अगर इसमें फ्यूल ना आए तो आप लोगों को एक चीज़ चेक करना है, जो इसका वोल्टेज है, वोल्टेज और सिग्नल प्रोवाइड इसमें कर रहा है कि नहीं। तो दोस्तों कहाँ से इसका वोल्टेज आएगा और सिग्नल कहाँ से आएगा, चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को इंजेक्टर का कपलर आप लोगों को ओपन करना है, करने के बाद मल्टीमीटर से आप लोगों को ये देखना है जो वोल्टेज आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा है कि नहीं। तो दोस्तों यह इंजेक्टर का कपलर, इसमें आप लोगों को रेड कलर, रेड में ब्लैक एक कलर है और एक हम लोग का हरा में थोड़ा रेड जैसा है। तो मेन वोल्टेज जो है गाइस हम लोग का आएगा कहाँ से, रेड में ब्लैक कलर की वायर में 12 वोल्ट सप्लाई आएगा, जब हम लोग इग्निशन ऑन कर देंगे तो ही। मैं आपको दिखाता हूँ, यानी कि 11 वोल्ट 77 पॉइंट आ रहा है, थोड़ा बैटरी मेरा डाउन है। तो वोल्टेज यहाँ से अगर नहीं आएगा तो आपका इंजेक्टर काम नहीं करेगा। तो सबसे पहले आप लोगों को वोल्टेज देखना है जो 11 वोल्ट के ऊपर आ रहा है कि नहीं, यानी कि 12 वोल्ट के आसपास। अब सवाल है, यहाँ पर आप लोग दूसरे वायर को यहाँ लगाएंगे, लगाने के बाद अगर टोटली आपका इंजेक्टर काम नहीं कर रहा है तो दो चीज़ देखना है, 11 वोल्ट 6 पॉइंट आ रहा है। अब थोड़ा हम सेल्फ का इफेक्ट करेंगे और आप लोगों को दिखाता हूँ इसका पॉइंट कितना आएगा, 9 वोल्ट के आसपास में आ रहा है, क्योंकि हम सेल्फ मार रहा हूँ, थोड़ा बैटरी डाउन हो रहा है। तो यहाँ आप लोगों को लगातार जब सेल्फ का इफेक्ट करेंगे और वोल्टेज आएगा तो ही आप लोगों का काम करेगा। अब यहाँ से वोल्टेज कौन देगा, तो दोस्तों इस फ्यूज में एक वायर दिया गया है ब्लैक में रेड, हाँ, तो यहाँ से वोल्टेज हम लोग को डायरेक्ट जाएगा इंजेक्टर पर। अगर बाइक में बैटरी बाई चांस नहीं रहेगा तो क्या करेगा, RR यूनिट वोल्टेज देगा उस पर, और वोल्टेज तो आएगा बैटरी से ही जाएगा, अगर बैटरी ना रहेगा तो RR यूनिट देगा। अब उसी दौरान मान लीजिए आपका बैटरी नहीं है तो क्या करेगा, RR यूनिट देगा,
तो दोनों मिलाकर मैंने कि वोल्टेज सप्लाई करता है इंजेक्टर को। अब सवाल है सिग्नल कौन देता है, तो चलिए मैं आपको बता। तो दोस्तों सिग्नल जो देता है एसीएम देता है। अब देखिए यहाँ एक हम लोग का वायर जो है थोड़ा रेड में हरा कलर की वायर, ये वायर जाएगा डायरेक्ट हम लोगों का इसी कपलर में। तो अगर बीच से ये वायर हम लोगों का कट रहेगा कहीं से भी तो हम लोगों का सिग्नल नहीं आएगा और यानी कि काम नहीं बनेगा। तो दोस्तों अगर आप लोग मल्टीमीटर लगाते हो, मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आप लोग मल्टीमीटर लगाते हो और यहाँ वोल्टेज प्रोवाइड यानी कि दोनों वायर में लगाने का बाद, तो इंजेक्टर का जो कपलर है दोनों वायर लगा के अगर आप लोगों को 12 वोल्ट 11 वोल्ट नहीं मिल रहा है तो आप लोगों को क्या देखना है, सिग्नल देखना है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, एक वायर हमने निकाल लिया हूँ और एक वायर हमने यहाँ ग्राउंड किया, फिर भी हम लोग का उतना ही वोल्टेज आ रहा है, देखो आ रहा है। अब सवाल है यहाँ से अगर लगाने का बाद यहाँ हम लोग का वोल्टेज प्रोवाइड नहीं कर रहा है तो आप लोगों को देखना क्या है, तो यहाँ से लेकर वायरिंग हार्नेस तक एसीएम में जो हम लोग का वायर दिया गया है यहाँ से वायरिंग हार्नेस चेक करना है। अगर वायरिंग हार्नेस क्वांटिटी आप लोगों को सही मिले तो फिर आप लोगों को एसीएम भी ख़राब हो सकता है। एसीएम अगर ख़राब हो जाएगा तो सिग्नल प्रोवाइड नहीं करेगा, उस दौरान क्या होगा, इंजेक्टर आपका काम नहीं करेगा। तो आप लोगों को क्या बताया, इंजेक्टर ऐसे ही वर्क करता है, तो इंजेक्टर का सिस्टम आप लोगों को बता दिया। अब सवाल है वोल्टेज भी प्रोवाइड कर रहा है, ग्राउंड भी प्रोवाइड कर रहा है, सभी प्रोवाइड कर रहा है, फिर भी आपका इंजेक्टर काम नहीं कर रहा है, तो उसी दौरान फौरन आप लोग इंजेक्टर को बदल दो, इंजेक्टर को चेंज कर दो, काम बन जाएगा। दोस्तों अब हम बात करेंगे बाइक में इग्निशन लाइन की, इग्निशन लाइन कैसे बनेगा। तो दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, जब भी आप लोग इग्निशन लाइन चेक करें, टैंकी अगर खोल लेंगे और फ्यूल पंप की कपलर अगर खोल लेंगे तो बाइक में करंट हरगिज़ हर हाल में नहीं आएगा, तो आप लोगों को फ्यूल पंप लगा देना है बाइक पर, तब जाके आप लोगों का काम करेगा। वो कैसे मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों बाटली कॉइल में दिया जाता है दो वायर, एक रेड कलर की वायर और एक ब्लैक में हल्का रेड जैसा। तो इग्निशन ऑन करते ही आप लोगों को वोल्टेज आ जाएगा, आप लोगों को बताया था इंजेक्टर में जाएगा और एक यहाँ जाएगा, इंजेक्टर का कपलर भी आप लोगों को बताता हूँ। देखिए इंजेक्टर में रेड में ब्लैक, एसटी कॉइल में भी रेड में ब्लैक, तो आप लोगों को देखना नहीं है, अगर बाइक में करंट ना आए तो आप लोगों को देखना है रेड कलर की जो वायर है रेड में ब्लैक, इसमें 12 वोल्ट आप लोगों को सप्लाई कर रहा है कि नहीं। कैसे मैं आपको बताता हूँ, मल्टीमीटर की मदद से आप लोग एक वायर को लगा दीजिए बाटली कॉइल में रेड कलर जो है, रेड में जो ब्लैक है, और एक आप लोग बॉडी कीजिए कहीं भी, चलो मैं यहाँ बॉडी कर लेता हूँ, और इग्निशन ऑन करेंगे और मल्टीमीटर में देखना वोल्टेज कितना आया। तो दोस्तों यहाँ 11 वोल्ट 80 पॉइंट आ रहा है, इसका मतलब यहाँ वोल्टेज प्रोवाइड कर रहा है। तो दोस्तों इग्निशन कॉइल में दो वायर होता है, अब आप लोगों को बताता हूँ, यहाँ अगर हम लोग एक वायर को और भी लगा दें और इग्निशन ऑन करेंगे तो कितना वोल्टेज आना चाहिए, दोस्तों 9 वोल्ट आ रहा है ना। तो दोस्तों ये वायर जो है सिग्नल प्रोवाइड करेगा, किस चीज़ का मैं आपको बताता हूँ, ये वायर अगर कहीं से कटा हुआ रहेगा तो आपका यहाँ सिग्नल प्रोवाइड नहीं करेगा और बाटली कॉइल वर्क नहीं करेगा। तो इसके लिए आप लोगों को देखना है, अगर यहाँ से आप लोगों को दोनों वायर लगाने के बाद यानी कि 10 वोल्ट 49 पॉइंट अगर आ रहा है तो आप लोगों को ये समझना है तो गुड कंडीशन है, अगर नहीं आ रहा है एक ही वायर में आ रहा है सिर्फ बॉडी अर्थिंग यहाँ से कर रहा है तो आप लोगों को यानी कि वोल्टेज शो कर रहा है, और यहाँ लगाने के बाद अगर 10 वोल्ट के आसपास में नहीं आ रहा है तो आप लोगों को देखना है क्या, जो एक हम लोग का होता है एसीएम में ये जो वायर है ब्लैक में थोड़ा हम लोग का रेड जैसा है, ये वायर होता कहाँ है, नीचे होता है, और ये सिग्नल की वायर है, देखो ये वायर सिग्नल की वायर है, यहाँ से हम लोगों का यानी कि सिग्नल प्रोवाइड करेगा। कैसे मैं आपको बताता हूँ, बाइक में दिया जाता है हम लोग का पिकअप कॉइल, पिकअप कॉइल क्या काम करता है वही आप लोगों को बताऊँगा, वरना आप लोग इग्निशन लाइन के बारे में नहीं बता पाएंगे। तो दोस्तों बाइक में दिया जाता है एक हम लोग का इंजन में होता है क्रैंक पोजिशन सेंसर, यानी कि हम लोग बोलते हैं पिकअप कॉइल। तो पिकअप कॉइल का काम क्या है, दोस्तों जब भी इंजन रोटेट होता है तो पिस्टन जब टॉप में जाता है तो उसी दौरान एक सेंसर दिया जाता है क्रैंक पोजिशन सेंसर, वो डिटेक्ट करके बताता है कि पिस्टन टॉप में चला गया, उसी दौरान क्या होता है सिग्नल प्रोवाइड करता है, यानी कि इंजन से ग्राउंड सिग्नल प्रोवाइड करता है, किसको देता है, एसीएम को देता है, मैं आपको दिखाता हूँ एसीएम को देता है। अब हम लोग को वही देखना है, कॉन्टिन्यूटी चेकअप कराएंगे आप लोगों को। देखिए दोस्तों यहाँ से लेके आप लोगों को 7 नंबर में एक वायर देखने को मिलेगा, यानी कि व्हाइट में पीला, तो व्हाइट में पीला में एक लगाया है, और नीचे के आप लोगों को लाइन में देखने को मिलेगा 8 नंबर पर, वो कौन सा कलर है मैं आपको बताता हूँ, ब्लू में पीला। तो दोनों वायर जो है हम लोग का रीडिंग जो आएगा, देखिए 138 रीडिंग आएगा, तो यहाँ से हमने डायरेक्ट कॉन्टिन्यूटी चेक कराया, यहाँ से अगर चेक करें तो 138 आएगा, और यहाँ से भी अगर हम लोग करें तो 138 ही आएगा, मैं आपको दिखाता हूँ 138 38 37 आ रहा है ना,
यानी कि 138 आ रहा है। और एक चीज़ आप लोगों को दिखाता हूँ, तो चलिए अब हम लोग की का उपयोग करेंगे, जो यहाँ हम लोग का रीडिंग अप डाउन मार रहा है कि नहीं। अगर अप डाउन नहीं मारेगा तो बाइक में हम लोग का इग्निशन लाइन नहीं बनेगा, क्योंकि पिकअप कोयल हम लोग का सेंस कर रहा है कि नहीं वो भी देखना है। चलिए कैसे मैं आपको बताता हूँ। चलो किक मारो, चाबी बंद करके मारो, कोई टेंशन नहीं। बस 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 बस। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा किक का उपयोग जब भी हम लोग कर रहा है, यहाँ रीडिंग जो है हम लोग का अप डाउन मार रहा है, तो इसे क्या हो रहा है, पिकअप कोयल का जो सेंसर है ये डिटेक्ट कर पा रहा है। अगर आपको लग रहा है कि ये यानी कि मल्टीमीटर से आप लोग चेक कर रहा है और पिकअप कोयल सेंसर जो है अप डाउन नहीं मार रहा है, तो उसी दौरान आप लोग पिकअप कोयल को चेंज कर लीजिए, पिकअप कोयल आप लोग को बदलना है। अब सवाल है, पिकअप कोयल का रीडिंग भी सही कुछ सही आ रहा है, फिर भी बाइक में इग्निशन करंट जो है वो नहीं जनरेट होता है, तो कैसे वोल्टेज यहाँ प्रोवाइड कर रहा है। अगर सिग्नल नहीं प्रोवाइड करेगा तो भी काम नहीं करेगा, तो सिग्नल प्रोवाइड कौन कराता है दोस्तों। पिकअप कोयल के रीडिंग यहाँ आने के बाद ही ACM में ऑटोमेटिक हम लोग का सिग्नल प्रोवाइड कराएगा, और ACM से एक हम लोग का ग्राउंड प्रोवाइड करने के बाद ये जो वायर आप लोग देख रहे हैं सिग्नल की वायर, यहाँ से सिग्नल डिटेक्ट करके बैटरी कोयल में हम लोग का जाएगा, और बैटरी कोयल क्या करेगा, हाई वोल्ट होकर स्पार्क प्लग में करंट जनरेट करेगा। तो अगर आप लोगों का यहाँ वोल्टेज आ रहा है और फिर भी आपका बैटरी कोयल में करंट नहीं आ रहा है, तो उसी दौरान आप लोगों को एक चीज़ करना है, जो ACM से कॉन्टिन्यूटी चेक करो सिग्नल वायर की। अगर सिग्नल वायर सही है तो पिकअप कोयल का रीडिंग चेक करो, पिकअप कोयल अगर आप लोगों का ब्लिंक कर रहा है यानी कि अप डाउन मार रहा है तो पिकअप कोयल सही है, अगर नहीं मार रहा है तो पिकअप कोयल चेंज करो तो काम बन जाएगा। फिर भी वैसा रीजन में नहीं हो रहा है कि यानी कि पिकअप कोयल का रीडिंग भी सही है, पिकअप कोयल का यानी कि ब्लिंक भी कर रहा है किक मारने पर, तब वैसा रीजन में आप लोगों को करना है ACM आप लोगों को बदलना है, क्योंकि ACM के अंदर हम लोगों का सिग्नल प्रोवाइड कराता है और हाई वोल्ट होकर यानी कि जाता है बैटरी कोयल पर, और बैटरी कोयल करता है सबसे ज़्यादा हाई वोल्ट करके स्पार्क प्लग को देता है। तो कभी कभी क्या होता है ACM हम लोग का ख़राब हो जाता है, उसी दौरान आप लोग को ACM बदलना पड़ेगा। तो आशा करता हूँ इग्निशन लाइन के बारे में बताया। अब आगे बढ़ते हैं, आप लोगों को सेंसर के बारे में बताता हूँ। दोस्तों बाइक में काफ़ी सारे सेंसर दिया गया है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों स्प्लेंडर बाइक में खास करके दिया जाता है, यहाँ एक सेंसर, यहाँ एक सेंसर, एक इंजेक्टर, साइड स्टैंड में एक सेंसर, स्पीड किलोमीटर में एक सेंसर, सभी का काम क्या है, नाम क्या है। दोस्तों सबसे पहले आते हैं टोटल बॉडी पे, ये जो सेंसर आप लोग देख रहे हैं इसका काम क्या है, ये हम लोग का TP सेंसर यानी कि टोटल पोजीशन सेंसर। अब दोस्तों यहाँ जो दिया गया है इसका सेंसर का नाम क्या है, दोस्तों इस सेंसर का नाम है हम लोग का IDL कंट्रोलर, इसे हम लोग बोलते हैं IDL कंट्रोलर। इसका काम क्या है दोस्तों, ये हम लोग का TP सेंसर, जब भी हम लोग टोटल घुमाते हैं तो ये यानी कि ये डिटेक्ट करता है टोटल कितना खुला हुआ है, उसी हिसाब से ACM को बताते हैं बाइक में कितना लोड है, बाइक कितना स्पीड से चल रहा है, ACM को ये डिटेक्ट करके बताता है। अब सवाल है दोस्तों ये क्या है, ये दोस्तों IDL है। IDL का काम क्या है, ओल्ड मोड में बाइक में हम लोगों का चोक सिस्टम देखने को मिल रहा था, बट ये जो IDL है ऑटो चोक सिस्टम, बाइक के इंजन जब हम लोग गर्म रहेगा, बाइक का इंजन जब गर्म रहेगा उसी दौरान हम लोग को बताएगा ACM को कि इंजन ठंडा है, तो ACM क्या करेगा, इसको ऑटोमेटिक हम लोग का भाग जो है खुल जाएगा और इससे हम लोग का ईआर का मिश्रण, फ्यूल का मिश्रण चेंज हो जाएगा, इससे क्या होगा बाइक का RPM सुबह बढ़ जाएगा, जब इंजन गर्म हो जाएगा फिर डिटेक्ट करेगा, डिटेक्ट करने के बाद ऑटोमेटिक हम लोग का क्या होगा IDL इसको लॉक कर देगा ईआर को और चोक बंद हो जाएगा। लेकिन ये काम किसने कराता है दोस्तों, दोस्तों बाइक में दिया जाता है इंजन ऑयल टेम्परेचर सेंसर। इंजन ऑयल टेम्परेचर सेंसर का काम क्या है दोस्तों, इंजन ऑयल टेम्परेचर सेंसर का काम यही है, जब इंजन ठंडा रहता है तो महसूस करता है और इंजन गर्म रहता है तो महसूस करता है, ये महसूस करने के बाद ACM को बताता है। ACM क्या करता है, पूरे एक्चुएटर को बताते हैं, जो चोक को बताते हैं चोक हो जाओ, चोक को बंद करने के लिए बोलता है तो बंद हो जाओ, जब इंजन ठंडा रहता है तो चोक होने के लिए बोलता है, इंजन जब गर्म हो जाता है तो चोक बंद करने के लिए बोलता है, तो इंजन ऑयल टेम्परेचर सेंसर का वही एक्चुअली रोल है। तो चलिए आप आते हैं, बाइक में आता है हम लोग का ऑक्सीजन सेंसर, उसका मतलब क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा बाइक में आप लोगों को देखने को मिला है साइलेंसर के अंदर, बट ये हम लोग का होता है एग्जॉस्ट के अंदर। एग्जॉस्ट के अंदर इसीलिए दिया जाता है, बाइक जब हम लोग स्टार्ट करते हैं तो उसी दौरान होता है क्या, बाइक के अंदर हम लोग का आग लगता है, आग लगने के अंदर फ्यूल जलता है, फ्यूल जलने के बाद हम लोग का जो जलाने निकलता है साइलेंसर होके जो जाता है गाइस, ये एक्चुअली डिटेक्ट करता है जो फ्यूल हम लोग फ्यूल जो इंजन के अंदर जला है वो किस परिमाण से जला है, यानी कि स्पार्क प्लग जब काला हो जाता है फ्यूल सही से जल नहीं पाता है और वो निकल जाता है, तो ये एक्चुअली डिटेक्ट करेगा जब बाइक में माइलेज कैसे खा रहा है, माइलेज सही दे रहा है या ख़राब दे रहा है, ज़्यादा जल के आ रहा है या कम जल के आ रहा है, ये डिटेक्ट करके ACM को बताएगा। ACM फिर क्या करेगा, पूरा सिस्टम को कैप्चर करेगा, अगर बाइक में
फ्यूल ज़्यादा खाएगा तो भी ये डिटेक्ट करके यानी कि एसीएम को बताएगा कि ये फ्यूल ज़्यादा खा रहा है, वो फिर फ्यूल की सप्लाई थोड़ा कम कर देगा। कम करने के बाद क्या होगा, फ्यूल सही परिमाण से आने लगेगा। ऑक्सीजन सेंसर का मतलब यही है, बाइक में जो फ्यूल जल के आ रहा है किस परिमाण से जल के आ रहा है, इसका काम यही है गाइस। दोस्तों बात आती है बाइक में हम लोग का एक होता है साइड स्टैंड सेंसर। साइड स्टैंड सेंसर का रोल क्या है दोस्तों, बाइक में जब साइड स्टैंड सेंसर का रोल यही है, पहले के ज़माने में बाइक जो आदमी चलाता था, बियर लोग चलाते थे, उसी दौरान साइड स्टैंड गिरा हुआ था और बाइक को चला लेते थे, उसी समय हम लोग का दुर्घटना घट जाता था और बाइक लेके गिर जाता था। लेकिन कंपनी ने ऐसा सेंसर किया है, इसके साथ मैग्नेट दिया गया है, जब भी ये सेंसर यानी कि साइड स्टैंड होके रहेगा और जब भी बाइक गियर पे डालेगा तो ऑटोमेटिक क्या होगा, बाइक बंद हो जाएगा, नहीं चलेगा। जब फिर साइड स्टैंड उठाएगा तभी बाइक हम लोग का चालू हो जाएगा। तो इसीलिए साइड स्टैंड सेंसर दिया गया है, कहीं भी अगर आप लोग बाइक लेके जाते हैं और अचानक साइड स्टैंड गिर जाता है तो बाइक हर हाल में गाड़ी स्टार्ट नहीं होगा। दोस्तों काफ़ी सारे बाइक में आप लोगों को देखने को मिल रहा है, एक होता है हम लोग का यानी कि बैक एंगल सेंसर। बैक एंगल सेंसर का काम क्या है दोस्तों, बैक एंगल सेंसर का काम यही है, पहले के ज़माने में बाइक जब उलट करता था तो उसी दौरान बाइक में पेट्रोल गिरता था, पेट्रोल गिरने का कारण क्या होता था, बाइक का इग्निशन लाइन बंद नहीं होता था और बाइक चालू होने का कारण बाइक में इग्निशन लाइन जनरेट होता था, उसी कारण पेट्रोल गिरने का कारण बाइक में आग लगने का चांसेस रहता था। लेकिन अभी कंपनी ने ऐसा सिस्टम किया है, थोड़ा सा भी डिग्री इसका अगर चेंज हो जाए, अगर बाइक उलट जाए तो ऑटोमेटिक इसके अंदर भाव दिया गया है, ये हम लोगों का लाइन छोड़ देगा और बाइक जो है बंद हो जाएगा फौरन, हरगिज़ हर हाल में स्टार्ट नहीं लेगा। फिर इसको सही डिग्री में लाने के बाद ही इग्निशन लाइन ऑटोमेटिक लॉक खुलेगा और इग्निशन बनेगा। तो ये हम लोगों का टैंकी के नीचे जो दिया जाता है बैक एंगल सेंसर, इसका काम यही है गाइस। तो भाई लोग आशा करता हूँ स्प्लेंडर बाइक की पूरा जानकारी आप लोगों को दिया, तो वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। थैंक यू।